तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में हमने सारे के सारे मेथड्स पढ़ लिए थे मिक्सचर को सेपरेट करने के। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिकल चेंज क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एनी टू और मोर सब्सटेंसेस कंपाउंड्स इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। दोस्तों सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन की हिंदी समझते हैं। दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिश्रित करने पे, जब उसमें कोई नया पदार्थ फॉर्म ना हो या नया पदार्थ ना बने, तो दोस्तों दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एलिमेंट्स और सब्सटेंस मिक्स करने पे जब कोई न्यू सब्सटेंस ना बने तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने सपोज मिक्स किया इंक को और वाटर को, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, बट क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई उसमें? नहीं हुई, तो इसलिए वो एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद बात आती है दोस्तों केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है बिल्कुल फिजिकल चेंज का उल्टा। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ को मिक्स करने पे, व्हेन मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स क्रिएट्स अ न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड, व्हेन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस क्रिएट्स अ न्यू सब्सटेंस, इट्स अ केमिकल चेंज। तो दोस्तों आपको केमिकल चेंज पता चला? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल चेंज होती है। मैंने सोडियम लिया, उसके साथ क्लोरीन ली, तो NaCl बन गया, तो वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि नया कंपाउंड बन गया। तो और कैसे पता लगा सकते हैं हम फिजिकल चेंज के बारे में? तो दोस्तों फिजिकल चेंज के लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मास, डेंसिटी, लुक्स, क्रिएटिव वेट और इंटेंसिटी, ल्यूमिनोसिटी यानी कि कितना ग्लो कर रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं दोस्तों? ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए हैं क्योंकि ये वेरी करती हैं हर केमिकल कंपाउंड के साथ। दो कंपाउंड या दो एलिमेंट्स एक जैसे शाइनी हो सकते हैं, बट दो एलिमेंट्स कभी भी एक जैसे बॉइलिंग पॉइंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आता है? आयनिक कंपाउंड है या मैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, यानी कि मैग्नेट से रिएक्ट मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन शो करता है या नहीं करता, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों उसके बाद आता है कि फिजिकल चेंज जो होता है वो इजिली रिवर्सिबल होता है। 99% चांसेस है कि आप उसे रिवर्स कर पाएंगे। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल कैसे होता है? मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने पानी लिया, पानी में नमक डाला, नमक घोल दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। आप कहें वो केमिकल चेंज है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी रहती है। तो आपने इवेपोरेशन किया, आपको नमक वापस मिल गया, पानी अलग से मिल गया। तो ये तरीका होता है, इसलिए वो रिवर्सिबल है। बट क्या अगर मैंने मेटल के साथ HCl रिएक्ट करवाया, मेटल के साथ HCl रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगी और सॉल्ट क्रिएट होगा। तो क्या वो रिएक्शन रिवर्सिबल है? क्या मैं वापस सॉल्ट से मेटल बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, बट नॉट ईजली। केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, फिजिकली किसी मेथड से नहीं बना सकता मैं उसे। तो चौथी चीज आती है दोस्तों, फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में जो है मास सेम रहता है। मास कैसे सेम रहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को दोनों फॉलो करते हैं, बट मास ऐसे सेम रहता है कि क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, तो दोनों का अलग अलग मास लिया जाता है, समझ रहे हो? लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है, तो न्यू सब्सटेंस का मास दोनों के मास से अलग होता है, तो इसलिए हम कहते हैं केमिकल चेंज में मास वेरी करता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज जनरली टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं, बट जनरली टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी से मेरा मतलब क्या है? आपने सपोज पानी को बॉइल किया, बॉइलिंग एक फिजिकल चेंज है, प्रॉपर्टी केमिकल है बट चेंज फिजिकल है। तो बॉइलिंग एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? अब फिजिकल चेंज में बॉइलिंग की, आपने बॉइल कर दिया वाटर, तो बॉइल करने के बाद इवेपोरेशन हो जाएगी वाटर की,
बट अगर आप उसको ढक देते हो वापस कंडेंसेशन हो जाएगी, इजी है। बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता, केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मेटल प्लस एसिड का एग्जांपल दिया था, तो उसमें सॉल्ट जो बन गया वो परमानेंट है। तो इसी तरह बात करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं इनकी डेफिनेशन। तो पहला चेंज क्या आता है, पहली प्रॉपर्टी आती है फिजिकल चेंज में, कैसे पता करेंगे आप? मिक्सिंग ऑफ एनी टू और मोर सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। ये आ गई आपकी फिजिकल चेंज की। फिर केमिकल चेंज की पहली क्या आती है, व्हेन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस क्रिएट्स अ न्यू सब्सटेंस, इट्स अ केमिकल चेंज। यानी कि जब नया सब्सटेंस बन जाता है केमिकल चेंज है। उसके बाद आती है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, बट मोस्टली टेम्परेरी, ज्यादातर जो आपके फिजिकल चेंज वो टेम्परेरी होंगे। उसके बाद आती है दे आर इजली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मैंने आपको भी बताया कि आप इन्हें वापस पहले वाली पोजीशन में ला सकते हैं, बहुत इजली ला सकते हैं। और मास ऑफ सब्सटेंसेस डजंट चेंज, मास ऑफ सब्सटेंसेस चेंज नहीं करता। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि दोनों के अलग अलग मास लिए जाएंगे मिक्स होने के बाद भी, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में होता है कि मास ऑफ सब्सटेंस चेंज करता है। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल क्या आते हैं फिजिकल चेंजेस की। बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा ये वेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सारे फिजिकल चेंजेस है। कंडेंसेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। उसके बाद बात आती है केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस आते हैं व्हेन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस, इट्स अ केमिकल चेंज। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं वो नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस आर मोस्टली परमानेंट। जो केमिकल चेंज होते हैं वो मोस्टली परमानेंट होते हैं, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। दे आर जनरली इरिवर्सिबल। जनरली इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। कुछ एक रिवर्सिबल भी होती हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिटेल आप प्लस वन में प्लस टू यानी कि हाई क्लास में पढ़ेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस डज चेंज, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका मास डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस सब्सटेंस। एवरी केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लिया आपने, मेटल प्लस एसिड ले लिया, सॉल्ट सॉल्ट और हाइड्रोजन निकल रही थी, आपने मेटल प्लस बेस ले लिया, आपने HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ ले लिया जिसमें रिडक्शन हो रहा था, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले ली, रिडक्शन रिएक्शन ले ली, उन किसी भी रिएक्शन के अंदर यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।